खबरें। विवाहिता को अगवा कर 5 दिन तक सामूहिक बलात्कार किया गया। यह घटना बागपत जिले में एक गांव की महिला और उसके 2 बेटों ने दिल्ली में गांव की एक लड़की के ससुराल में जाकर किया है। कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर अपहरण कर एक भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर 5 दिन तक हैवानियत से बलात्कार किया है और गांव के पास ही महिला को फेंक दिया। महिला को जहां शरीर में काफी चोटें तक आई है। दूसरी ओर से खबर आ रही है, सेक्स की चाहत में कर डाली 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा, फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला मामला है। यह घटना अमेरिका के इंडियानापोलिस से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाने की चाह में करीब 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा तक की है। हालांकि 32 साल के इस शख्स की अजगण्य इच्छा पूरी न हो पाई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला यह भी है कि आरोपी ने इतनी लंबी दूरी एक 14 साल की लड़की से यौन संबंध के लिए तय किया है। जिस लड़की से मिलने जा रहा था उसे उसकी दोस्ती कुछ समय पहले फेसबुक पर हुई थी। वहीं दूसरी ओर से खबर आ रही है लंदन से, जहां 2 रही जादों ने नशे की धुत में लड़की का क्लब में ही किया बलात्कार। करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है, जहां हम बता दें कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। बड़े बड़े विकसित देश भी महिलाओं की सेफ्टी के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और ही निकल कर सामने आती है। हाल ही में लंदन में रेप का एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जिसमें महिला की सुरक्षा को लेकर यहाँ की प्रशासन की धज्जियाँ उड़ा दी है, जहाँ एक महिला को यहाँ के नाइट क्लब में आए 2 रही जादों ने पार्टी के बीच से महिला को स्टोर रूम में ले गए और हैवानियत से उसका रेप किया गया। रेप इतनी क्रूरतापूर्वक किया गया कि महिला को सर्जरी तक करवानी पड़ी। हालांकि केस सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्य मानते हुए ब्रिटिश अदालत ने इटली के 2 छात्रों को 15 अक्टूबर को दोषी करार दिया है। आरोपी की उम्र लगभग 25 से 26 बताई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारी चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।